नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए आप लोगों के 2 मिनट्स का नूडल्स, आप लोगों के फेवरेट 2 मिनट्स का नूडल। आज हम लेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में क्या खास लेंगे तो कुछ ना कुछ खास होगा ना। आइए दोस्तों, बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टेस्टी एमी नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुकर लिए हैं। कुकर में यहाँ पर 1 कप गाजर, 1 कप बीन्स लिए हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से ज़्यादा वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। हमने सब वेजिटेबल ले लिए। अब इसमें 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 नमक, हमने यहाँ पर कटा हुआ हरी मिर्ची 4 लिए हैं। आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 कप पानी लिए हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 नूडल्स को ब्रेक करके डाल रहे हैं। सब नूडल्स को डाल दिए। अब इसमें मसाला को भी डालते हैं। मसाला भी डाल दिए। मसाला डालने के बाद हम यहाँ पर 1/4 पानी लिए हैं, 1/4 कप पानी लिए हैं। मसाला जैसे भीग जाए इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब इसको कुकर को बंद कर लेते हैं। हमें कुकर को बस 1 सीटी देना है। देखिए हमारा नूडल्स बन गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरे, अब कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 नमक ले रहे हैं ताकि फ्राई जल्दी हो जाए प्याज। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें कटा हुआ टमाटो को डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 टमाटो लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा टमाटो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा खट्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमने यहाँ पर 1 टमाटो लिए हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों को। आप चाहे टमाटो फ्राई करने के लिए थोड़ा पानी ले सकते हैं ताकि जल्दी बन जाए, लेकिन हमने यहाँ पर पानी नहीं लिए हैं। हमारा टमाटो प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैगी या नूडल्स हमने जो डाले थे कुकर में, हमारा हो गया है। अब इसको आपको छोंक लगा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें ये सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटो प्याज वेजिटेबल नूडल्स सब आपस में घुल मिल जाए अच्छे से। हमने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, अब ये सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल रहे हैं। अब ये सबको भी मिक्स करना है हमें यहाँ पर। देखिए हमारे यम्मी टेस्टी नूडल्स रेडी है। आइए सब करते हैं, कितना अच्छा बना है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा धनिया पत्ता को डाल रहे हैं। बहुत टेस्टी है दोस्तों, एक बार खा लिए तो चाहत बढ़ जाएगी दोबारा खाने के लिए। बहुत टेस्टी और इसका खुशबू मस्त है। हमारे वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए। आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।